हेलो एरीज, यानी मेष राशि, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आइए आज SSS हिंदी टैरो पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मेष राशि की रीडिंग जो 1 सितंबर से 10 सितंबर तक होगी देख लेते हैं। कार्ड्स इसके बारे में क्या कहते हैं। तो ये हेल्थ, वेल्थ, करियर और रिलेशन और गाइडेंस की होगी। तो चलिए देखते हैं। यूनिवर्स गाइड कीजिए प्लीज, 1 सितंबर से 10 सितंबर तक एरीज राशि वाले कैसे रहने वाले हैं। यूनिवर्स गाइड कीजिए प्लीज, 1 सितंबर से 10 सितंबर तक एरीज राशि वाले कैसे। यूनिवर्स गाइड कीजिए प्लीज, 1 सितंबर से 10 सितंबर तक एरीज राशि वाले कैसे रहने वाले। तो ये है हेल्थ, वेल्थ, स्टूडेंट, जॉब, बिजनेस, सिंगल, रिलेशनशिप एंड लास्ट वाला जो कार्ड हमारा आता है ये गाइडेंस के लिए है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला कार्ड हमारा आता है हेल्थ के लिए। वाओ, कॉन्ग्रेचुलेशन, सबसे पहले इतना सबसे पहला ही कार्ड हेल्थ के लिए, बहुत अच्छा। ये हेल्थ के लिए है। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत स्वस्थ होंगे, बहुत ठीक होंगे। लेकिन जो लोग थोड़े से परेशानी में थे, दुख तकलीफ में थे, उनकी परेशानी भी कहीं ना कहीं अब ठीक होने वाली है। तो वो उनकी नई बिगनिंग होने वाली है। जो दवाइयाँ असर नहीं कर रही थी या रिपोर्ट्स वगैरह नहीं आ रही थी, कोई भी परेशानी हेल्थ के प्रति उनको हो रही थी, तो परेशानी कहीं ना कहीं दूर होती नज़र आ रही है। आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये इसमें निकलता हुआ सूरज और एक बच्चे की एनर्जी दिखाई गई है। आप बिल्कुल बच्चे की तरह रहने वाले हैं। बहुत अच्छी नई शुरुआत हो रही है आपकी। और जो जिनको जिनके घर में हेल्थ के प्रति बच्चे के इश्यूज थे, बच्चा नहीं हो रहा था, तो वो भी परेशानी शायद आपकी दूर होने वाली है। कहीं ना कहीं आप या तो प्रेग्नेंट होने वाले हैं आपके, या फिर आपके घर में बच्चा आने वाला है, या जो रास्ता नहीं मिल रहा था वो रास्ता आपका खुलने वाला है। तो हर तरह से ये हेल्थ के लिए बहुत खुशी का कार्ड है, नई बिगनिंग का कार्ड है। तो ये बहुत आपके लिए अच्छा रहेगा। और आप समय पर मेडिकल चेकअप ज़रूर करवाते रहिएगा, दवाई खाते रहिएगा, जिसमें आपका बेनिफिट है। ये दूसरा कार्ड है, ये थ्री ऑफ कप्स। तो ये भी बहुत सेलिब्रेशन का कार्ड है। कहीं ना कहीं आप अपनी फैमिली के साथ मतलब कुछ ना कुछ पैसे का ऑफर आया है, या नई जॉब का आया है, या करियर का आया है, या बीमारी से ही आपको ऐसी बीमारी जिसके बारे में आप नहीं जानते थे उससे निजात पाया है, या मतलब कुछ ना कुछ ऐसा सेलिब्रेशन मतलब बन रहा है जो आपको रेजोनेट कर रहा है। तो सेलिब्रेशन कीजिए। इसमें भी मतलब शादी भी हो सकती है, या बच्चे के आने की खुशी, या पढ़ाई की, या जॉब की, कोई ना कोई धन से संबंधित, वेल्थ से संबंधित आपका या अच्छा काम हो रहा है, या फिर प्रमोशन के चांसेस हो रहे हैं, या जिनको जॉब नहीं मिली थी उसको सेलिब्रेट आप करते नज़र आएंगे। तो आप आपकी एक नई शुरुआत है। जिनको जो रुका हुआ था काम, काफ़ी दिन से परेशान थे, वो इसके लिए नई शुरुआत कर सकते हैं। आपका धन के आसार काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। वेल्थ वाइज 1 सितंबर से 10 सितंबर तक काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। द लवर्स, तो ये लवर्स ये है स्टूडेंट्स के लिए। हाँ जी, स्टूडेंट्स के लिए। जो स्टूडेंट्स अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, या फॉरेन में जाना चाह रहे थे, या कोर्ट कचहरी का कोई मैटर था, या मतलब जिस चीज़ में भी अपना मतलब शुरुआत नई शुरुआत करना चाह रहे थे, परीक्षा के प्रति या जॉब के प्रति या
किसी चीज़ के भी प्रति, तो उसमें आपको सक्सेस मिलने के आसार हैं। लेकिन ये डिसीज़न मेकिंग का कार्ड है, अगर आप डिसीज़न बनाकर कोई ना कोई अच्छी सलाह लेकर और ओपोजिट सेक्स के साथ मिलकर, अगर ओपोजिट सेक्स के साथ मिलकर अगर आप कोई ऐसा जो मेंटोर हो जो या गुरु हो जो आप तो वो दूसरे सेक्स से रिलेटेड करता हो, अगर आप लड़की हैं तो लड़के की सलाह से कीजिए और लड़का है तो लड़की के, जेंट्स लेडीज अपोजिट सेक्स के प्रति अगर आप मिलकर तैयारी करते हैं या किसी काम को करते हैं या जॉब की तलाश कर रहे हैं तो उसमें आप कामयाब होंगे। तो अब लेकिन आपको डिसीजन बनाना पड़ेगा, मन बनाना पड़ेगा, अगर अचानक से शुरुआत करेंगे तो नुकसान हो सकता है, लेकिन डिसीजन बनाकर, ये डिसीजन मेकिंग का कार्ड है, डिसीजन बनाइए, थोड़ा सा समय लगाइए और आगे बढ़िए। स्टूडेंट्स, और ये जॉब वालों के लिए है जो काफ़ी लंबे समय से जॉब की प्रतीक्षा कर रहे थे, जिनको जॉब नहीं मिल रही थी। ये एक फॉरेन का, मीडिया का या मल्टीनेशनल कंपनी का या जो भी आप कह सकते हैं उसके लिए कार्ड है, जिसकी आप तैयारी कर रहे थे, जिसमें आप अपना डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, मन नहीं बना पा रहे थे, तो आप अब अपना डिसीजन बना लेंगे, अपना मन बना लेंगे, फोकस कर पाएंगे कि मुझे ये ही काम करना है। काम तो आपको शायद मिल चुका था लेकिन आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, आप अपना मन एक तरफा नहीं कर पा रहे थे कि मुझे क्या करना है। अब इधर आप इसमें सफल होते नज़र आ रहे हैं तो आपका मन पक्का हो गया है कि मुझे ये काम करना है। शायद आगे जाके आप इसको बदल भी सकते हैं लेकिन फ़िलहाल के लिए आपने फोकस कर लिया कि मुझे ये काम करना है और आप उसमें उत्तीर्ण भी होंगे, उसमें आप सफल भी होते नज़र आ रहे हैं। तो आप अपने काम की तरफ बढ़िए और सक्सेस पाइए। ये बिजनेस वालों के लिए है जो आपकी उसमें मेजर चेंजेस आने वाले हैं, जो बिजनेस नहीं कर रहे थे उनको थोड़ा सा सॉफ्ट हार्टेड होना पड़ेगा। आप अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट हैं, नरम हैं, लेकिन ऊपर से थोड़ा सा गर्म मिजाज कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं। आप अपने परिवार के प्रति तो बहुत ही वफादार हैं लेकिन परिवार वालों को भी कहीं ना कहीं लगता है कि आप सॉफ्ट नहीं हैं, आप हार्ड हैं। तो अपना थोड़ा सा रवैये को चेंज कीजिए, सॉफ्टनेस लाइए और बिजनेस को आगे बढ़ाइए, आप इसमें सफल होंगे। और आपको अपना थोड़ा सा सेहत का भी ध्यान रखना पड़ेगा, अगर बिजनेस में थोड़ा सा आपके इसमें पैरों में जॉइंट्स पेन वगैरह के भी इश्यूज दिखाई दे रहे हैं और अगर आप जल्दबाजी करेंगे, देखकर संभल कर नहीं चलेंगे तो आपके पैरों में भी थोड़ी छोटी मोटी चोट लगने के आसार दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, आपका बिजनेस अच्छा चलेगा, स्टेबिलिटी रहेगी, पैसे के प्रति कोई दिक्कत दिखाई नहीं दे रही, तो आप अपना बिजनेस कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। ये जो कार्ड है फोर ऑफ पेंटिकल्स, ये सिंगल्स के लिए है। अभी कहीं कहीं ना कहीं आप पैसे से ही चिपके हुए हैं, आप थोड़े से कंजूस हैं, आपको लड़की से या किसी चीज़ से इतनी मोहब्बत नहीं है जितना आप फिलहाल आप पैसे से मोहब्बत कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप स्टक एनर्जी में हैं, आपकी एनर्जी रुकी हुई है, आप सोच नहीं पा रहे कि मैं आगे बढ़ूं या ना बढ़ूं, क्या करूं क्या ना करूं। तो प्लीज़ आप अभी रुके रहिए, आप इसमें आगे मत बढ़िए, सिंगल ही रहिए। अगर आप सिंगल ही रहते हैं तो अभी इसमें फ़ायदा है, अगर आप अभी रिलेशन में जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप इसमें नुकसान उठा सकते हैं, तो अभी के लिए 10 सितंबर के लिए रुकने में ही फ़ायदा है। और ये जो कार्ड है ये रिलेशनशिप के लिए है, तो
तो इसमें आपने जो परेशानी, जो दुख तकलीफें थी, जो कष्ट थे, जो आपके रिलेशनशिप में दिक्कतें आ रही थी, उनसे अब आप बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। आप एक नया रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप अपने पास्ट को भी साथ लेकर जा रहे हैं। अपने पास्ट को भूल जाइए, जो बीती बातें हुई, जो गलत बातें हुई, जो दुख देने वाली बातें थी, उनको छोड़ दीजिए और आगे बढ़िए, तो इसमें आपकी नई शुरुआत हो सकती है, नई शुरुआत के आसार दिखाई दे रहे हैं। तो आप अपने रिलेशनशिप को और आगे बढ़ा सकते हैं, नई नई दिशा इसमें दे सकते हैं। तो ये एक आपके लिए एक अच्छा कार्ड है। और ये गाइडेंस के लिए है। आप कुछ सलाह दी जाती है कि आप खूब मौज मस्ती कीजिए, पैसा आपके पास खूब आने वाला है, उसका एंजॉय कीजिए। और आप इसमें अकेले ही खुश रहते दिखाई दे रहे हैं। परिवार के साथ मौज मस्ती कीजिए, कहीं घूमने फिरने जाइए, पैसा खूब आने वाला है, उसको खर्च कीजिए। और मनोरंजन, कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप मनोरंजन में भी पैसा खर्च करने वाले हैं, इन्जॉय आप करने वाले हैं। ये एक सलाह दी जाती है कि इसका भरपूर आप फायदा उठाइए और मौज मस्ती कीजिए। सोच बस थोड़ा सा सोच, हर काम में सोच समझ कर चलने की ज़रूरत होती है। तो ऑल ओवर आपके लिए 1 सितंबर से 10 सितंबर तक हर चीज़ में पॉजिटिव जाने वाला है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। नमस्ते।